Hello and welcome back, students of class 7. Dear students, in the previous class, we have discussed the new word meanings of the chapter Firestones. I hope you all would have written the new word meanings in your FAIR notebook and learnt as well. Uh, today, we'll do the line by line explanation of the chapter uh, Firestones. So, open your book, page number 21. Uh, dear students before we begin with the chapter let's know about the author eon colfer was born in the year 1965 he is an irish author of children's book he worked as a primary school teacher before he became a full time writer before becoming a full time writer he worked as a primary school teacher he is best known as the author of the Artemis fall series. Some of his famous works are Half Moon Investigations, The Wish List, and The Supernaturalist. The story Firestones is all about tsunami. On 26 December two thousand four, a tsunami came. And it left millions dead. Many people were homeless and many people became without money and food. On 26th December 2004, one of the areas that got badly affected by the tsunami was Andaman and Nicobar Islands. The Andaman and Nicobar Islands suffered massive destruction in the tsunami. over 3500 lives lost largely in the लार्जली islands the killer waves flattened over 10000 homes and wiped out entire villages आउट एंटायर वलेजस जो ये सुनामी में जो सबसे ज़्यादा बर्बादी और तबाही हुई थी वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे हुई थी वहाँ पे लगभग थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड पीपल व लॉस देयर लाइफ्स तीन हजार पाँच सौ लोग उसमें मर गए थे और दा किल द किलर मैस फ्लैटेंड ओवर टेन थाउजेंड होम्स था। उसने क्या किया था ये जो सुनामी थी इसने क्या किया था लगभग दस हज़ार घर को पूरा फ्लैट कर दिया था फ्लैट मींस बराबर कर दिया था समतल मैदान बना दिया था और पूरे और कई सारे गांव को मिटा दिया था ओके वाइपड आउट मींस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ना किसी जगह को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था यानी नि अंडमान निकोबार के पे जो गांव थे उसको पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया था दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ टू बॉयज़ राइट दिस इज़ बेसिकली अ फिक्शनल स्टोरी यू नो फिक्शनल मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट रियल राइट सो दिस इज़ अ फिक्शनल स्टोरी ऑफ टू बॉयज़ वन इज़ एन आईलैंड द राइटर एंड द अदर इज़ अ शोम्पिन श्पिन शोम्पिन इज़ अ ग्रुप ऑफ नेटिव हु लिव इन द निकोबार आइलैंड है ना निकोबार आइलैंड पे एक ग्रुप ऑफ नेटिवस रहते हैं उसको क्या बोलते हैं शोम्पेन uh, तो इसमें जो दो मेन कैरेक्टर हैं एक राइटर खुद हैं और दूसरा एक शोम्पन बोआ है I remember thinking what a beautiful sight it was, just as Papa had always said, God is in the water. First came the earthquake, then the sea retreated, almost to the horizon, it seemed. But now it was coming back. It was the biggest wave that I had ever seen, but not so big that I would run away. I had turned 13 and was not easily scared. राइट स्टार्ट uh, कर रहे हैं कि मुझे याद है कि मुझे ये, सो, ये याद है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल साइड इट वाज ये कितना ही खूबसूरत नजारा था इट वाज जस्ट एज़ पापा हैड ऑलवेज सेड कि पापा हमेशा कहते थे क्या कहते थे गॉड इज़ इन द वाटर जो गॉड है वो पानी में है फर्स्ट केम द अर्थ क्वैक फर्स्ट टाइम जब भूकंप आया देन द सी रिट्रीटेड रिट्रीटेड मीन्स होता है मूव्ड बैक यानी पीछे चला जाना जब समुद्र में भूकंप आता है तो क्या होता है जो समुद्र है बिल्कुल पीछे की तरफ चला है, पीछे की तरफ चला जाता है आई एल शो यू द पिक्चर ऑफ़ रिट्रीटिंग सी सी है ना दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रिट्रीटेड सी ओके तो ऐसा है कि पानी का जो लहर आगे आने के बजाय पूरे पीछे की तरफ चला जाता है तो वो बता रहे हैं इस सीन को कि फर्स्ट केम द अर्थ क्वैक देन द दे सी रिट्रेटेड ऑलमोस्ट टू तो द होराइजन सीम्ड वो इतना पीछे चला गया था जैसे जहाँ तक जैसा कि होराइजन तक होराइजन किसको बोलते हैं होराइजन इज़ अ प्लेस वेयर स्काई एंड अर्थ मीट एक ऐसी जगह जहाँ पे ज़मीन और आसमान जब आप देखोगे किसी खुले मैदान में तो ऐसा लगेगा कि आसमान और ज़मीन दोनों आपस में मिले हुए हैं तो उस उस जगह को क्या बोलते हैं होराइज़न तो वो समुद्र इतना पीछा पीछे चला गया था जैसा कि हुराइ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी यानी होराइज़न तक इट वॉज़ द बिगेस्ट वेव डैट आई हैड ए वीन और ये जो वेव थी ये जो लहर थी ये सबसे बड़ी लहर थी जितनी कि जब जितनी लहर मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखी थी वो ये सबसे बड़ी लहर थी बट नॉट सो बिग दैट आई वुड रन अवे आई हैड टर्न थर्टीन एंड वो एंड वॉज नॉट ईजीली स्केयर्ड कि अब uh, मैं इतना भी नहीं डर uh, गया था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ इसलिए कि अब मैं तेरह साल का हो गया था ओके स्केयर्ड मीन्स फ्राइटंड समथिंग थम्ड ऑन द सैंड बिहाइंड मी देयर वॉज अ शोम्पन बॉय ऑन द बीच वन ऑफ द एंशियन ट्राइब्स वन ऑफ़ द एंशियन ट्राइब्स डेट लिव्ड इन द फॉरेस्ट दे स्टिल बैकवर्ड पापा सेट के जब ही क्या होता है कि समथिंग थम्प के तभी क्या होता है कि मेरे पीछे कुछ आने की आवाज़ आती है या कुछ गिरने की आवाज़ आती है और फिर जब मैं देखता हूँ कि देयर वॉज अ शोम्पन बॉय वहाँ पर कौन था मेरे पीछे एक शोम्पन बॉय था उस बीच पर वन ऑफ़ बता रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि शोम्पेन कौन होते हैं वन ऑफ़ द एंशियन ट्राइब डेट लिव्ड इन द फॉरेस्ट वो कौन था उसमें से एंशियन ट्राइब जितने भी ट्राइब है उसमें से एक ये पुराना ट्राइब है कि शौम्पेन जो है एक बहुत पुराने ग्रुप के लोग हैं दे व बैकवर्ड पापा सेट पापा कहते हैं कि वो भी वो अभी भी बहुत भो, बहुत बैकवर्ड है यानी उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है बहुत पिछड़े लोग हैं वो Mountain wave, the boy said, in a gruff voice. First the earth shakes, then the mountain wave comes. to wo ladka चिल्लाता hai Said in a gruff voice means hota hai serious voice. Gruff means serious. तो वो लड़का वो serious voice में चिल्लाता है कि mountain wave यानी वो जो लहर है mountain wave जो समुद्र में आते हैं ऐसा कुछ होता है उसे क्या बोलते हैं mountain waves. Okay. माउंटेन Mount, वेव्स तो वो लड़का सीरियस वॉइस में चिल्लाता है माउंटेन वेव वी मस्ट गो ही सेट जस्टरिंग टू वर्ड्स द फॉरेस्ट जस्टरिंग टू वर्ड्स द फॉरेस्ट मीन्स अपॉइंटिंग टू वर्ड्स द फॉरेस्ट वो जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमें जल्दी वहाँ जाना चाहिए ना कि जस्ट इसी वक्त हमें वहाँ फॉरेस्ट जंगल की तरफ जाना चाहिए आई वॉज नॉट गोइंग टू लिसन टू अ शोम्पिन बॉय द जान्ट वेव मेड मी कैच माई ब्रेथ आई हैडेंट रियलाइज हाउ बिग इट मस्ट बी कि मैं आई वॉज नॉट गोइंग टू लिसन टू अ बिल्कुल मैं वो जो शोम्पिन बॉय था मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था बिल्कुल मैं सुनना ही नहीं चाह रहा था जायंट मीन्स ह्यूज वेरी लार्ज वो जो जाइंट वेव थी वो जो लहर थी उसने मेरे सांस को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था आई हैडेंट रियलाइज हाउ बिग इट मस्ट बी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी इतनी बड़ी लहर होगी आई फेल्ट अ हैंड इन माई पॉकेट एंड इट वॉज नॉट माई ओन हैंड द शोम्पन बॉय वॉज पिकिंग माई पॉकेट पिकिंग पॉकेट मीन्स होता है टू स्टील समथिंग फ्रॉम पॉकेट है ना तो इसी बीच क्या होता है कि आई फेल्ट हैंड इन माई पॉकेट मैं मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पॉकेट में कोई हाथ डाल रहा है और ये हाथ जो है ये मेरा हाथ नहीं है द शॉम्पन बॉय वॉज पिकिंग माई पॉकेट और जो वो शॉम्पन बॉय मेरे पीछे आके गिरा था बीच पे और ये हाथ उसी का था और वो क्या कर रहा था मेरा जेब काट रहा था हे आई ऑब्जेक्टेड क्रैबिंग एट द स्टिक थिंग आर्म बट इट वॉज गॉन एंड सो माई मनी पाउच द स्मॉल शॉम्प एंड बॉय डार्ट इड बिटवीन द पाम ऑन द एज ऑफ द बीच तो मैंने उसका क्या ऑब्जेक्ट किया विरोध किया तो क्या करता है वो जो उसका हाथ था है ना ग्रैप मीन्स होल्डिंग तो और उसका जो हाथ था वो बहुत पतला था बिल्कुल लाठी जैसा ज़्यादा मोटा नहीं था इट वॉज़ ग लेकिन मैं पकड़ पकड़ नहीं पाया उसके हाथ को एंड सो वॉज माई मनी पाउच तो जब पकड़ नहीं पाया तो वो मेरा जो पाउच था वॉलेट था वो लेके ले चला गया द स्मॉल शॉम्पिन बॉय डार्टेड डार्टेड मीन्स रन फास्ट है ना मूव क्विकली तो वो जल्दी से वहाँ से दौड़ कर चला गया बिटवीन द पाम बिटवीन द पाम्स ऑन द एज ऑफ द बीच वो जो बीच था समुद्र किनारा था उस पर क्या थे पाम ट्रीज लगे हुए थे उसके बीच में से निकल के वो समुद्र के किनारे पे चला गया भाग गया but for some reason the boy stopped he turned and waved my pouch at me i forgot the wave and ran faster i told myself you are the taller boy so for 5 seconds uh, i can, uh, for, for 5 seconds i ran faster then the world changed forever my ears were filled with the sound of my blood boiling so i thought but the sound grew loud फिलिंग द या इट वॉज द वेव हॉलिंग टूवर्ड्स द शोर तो उसके बाद क्या होता है क्या मैं बट फॉर सम रीज़न लेकिन जब वो पैसे चुड़ा कर मेरे जेब में से भाग जाता है लेकिन किसी वजह से बट फॉर सम रीज़न किसी वजह से वो रुक जाता है दबोआ इस्टॉप्ट वो किसी वजह से रुक रुक गया ही टर्नड एंड वेव्ड माई पाउच मी उसके बाद फिर वो पाउच को मेरी तरफ दिखाते हुए वो लहराता है उसे मूव करता है यानी मुझे चढ़ाता है वो पाउच दिखाकर आई फो गुड द वेव एंड रैन जो मैं वेव को देख रहा था लहर को देख रहा था अब मैं उसको देखना भूल गया और फिर रन फास्टर उस पाउच को लेने के लिए उस लड़के से छीनने के लिए मैं उसकी तरफ़ दौड़ा आई टोल्ड माई सेल्फ यू आर द टॉलर बॉय कि मैंने अपने आप को बताया कि मैं बहुत लंबा मतलब बहुत लंबा लड़का हूँ सो फो फाइव सेकेंड्स आई रैन फास्ट तो पाँच सेकेंड तक तो मैं बहुत तेज़ दौड़ा दैन द वर्ल्ड चेंज फोए उसके बाद जो दुनिया होती है आसपास की जो है वो मेरे लिए पूरी तरीके से बदल जाती है माई यर्स व फील्ड विद द साउंड ऑफ माई ब्लड बॉयलिंग सो आई थाट मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी कान है फील्ड विद साउंड ऑफ़ माई ब्लड कि मेरे कान में जो आवाज़ आ रही है ऐसा लग रहा है कि मेरा अब जो ब्लड है वो बॉयल हो रहा वो उबल रहा है बट द साउंड ग्रू लाउड फिलिंग द एयर इट वॉज द वेव हॉलिंग टूवर्ड्स द शोर लेकिन ये आवाज़ और बढ़ती गई फिलिंग द एयर और इट वॉज द वेव हॉलिंग टू वर्ड्स द शोर असल में ये जो आवाज़ थी वो किसकी आवाज़ थी वो लहरों की आवाज़ थी है ना वो जो समुद्र में लहर उठा था उसकी ये आवाज़ थी जो पूरे हवा में यानी पूरे समुद्र के किनारे में ज़ोर जोर की आवाज़ हो रही थी आई रन ऑन बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी रनिंग द शोम्पन बॉय स्प्रिंटेड अड आई फॉलोड देयर वॉज अ हिलड आई रन मैं दौड़ाओ बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी रनिंग क्योंकि मैं और तेज़ दौड़ा क्योंकि मैं पहले से ही दौड़ दो, दौड़ रहा था द शोम्पन बॉय स्प्रिंटेड हेड और वो जो लड़का था रन स्प्रिंट मीन्स होता रन फास्ट और जो शोम्पन बॉय था वो मेरे आगे तेज़ दौड़ रहा था मैंने उसका पीछा किया और उसके आगे क्या था दियर वॉज अ हिल अहेड यानी मुझसे आगे वो शोम्पन बॉय दौड़ रहा था उसके पीछे में और सबसे आगे क्या क्या था एक पहाड़ थी ओके okay? The money thief ran towards the summit. So did I. The shompen scaled a giant tree. Right at the summit, he went up fast and sure footed I tried to follow, but I am no shompen. My feet slipped on the rough bark. My fingernails tore and bled. तो क्या होता है कि जब द जो मनी चोर होता है वो रन टूवर्ड्स द समिट वो चोटी की तरफ दौड़ता है समिट इज़ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द हिल है ना जो पहाड़ की चोटी होती उसको क्या बोलते हैं समिट बोलते हैं वो पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ता है तो मैं भी सो डिड आई तो मैं भी उसके पीछे दौड़ता दौड़ा द शोम पेन स्केल स्केल मीन्स क्लाइंट वो एक क्या करता है जैंट मीन्स यूज वो एक बड़ा सा पेड़ होता है चोटी पे पहाड़ की चोटी पे वो पहले तो चोटी पे चढ़ता है फिर उस चोटी पे चढ़ के उस पेड़ पे चढ़ जाता है ही वेंट अ फास्ट वो तेज़ी से चढ़ गया शोर sure फूटेड बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है ना जिस तरीके से एक्सपर्ट होते हैं जो पेड़ पर जल्दी से चढ़ते हैं वो बिल्कुल एक्सपर्ट यानी कॉन्फिडेंट हो गए वो पेड़ पर पे चढ़ गया आई ट्राई टू फॉलो मैंने उसको पीछा करने की कोशिश की बट आई एम नो शोम्पेन लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं शोम्पेन बॉय नहीं था माई फीट स्लिप्ड ऑन द रफ बार्क बार्क एज अ वब यूज होता है तो उसका मतलब होता है भूखना लेकिन बाग यहाँ पे मतलब होगा छाल जो पेड़ों की छाल होती है उसे क्या बोलते हैं बार्क लेकिन वो जो पेड़ों का रफ़ सा छाल था उस पर मेरा पैर फिसल गया माई फिंगर नाइल स्टोर एंड ब्लड और मेरे जो नाखून थे वो फट गए और उससे खून बहने लगा क्राइंग आई टर्न टू फेस द वॉटर एंड वॉज अमेज एट द रून बिहड मी द वेव हैड ऑल बट ईट अन द कॉस लाइन एंड वॉज फ्लोइंग ऑन टू वर्ड्स द विलेज इट वॉज ट्राइंग टू गो अप दिल टू वॉट वॉज हैपनिंग टू द अर्थ उसके बाद फिर मैं चिल्लाने लगा आई टर्न टू फेस द वॉटर फिर मैं पानी की तरफ देखने लगा एंड वॉज़ अमेज एट द र्यून रिय मीन्स होता है एन रिकवरेबल स्टेट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डिवर्स्टेशन है ना एक ऐसी बर्बादी जिसकी रिकवरी ना हो सके तो मैं देखा कि वो जो पानी ने जो तबाही बर्बादी मचा रखी थी द वेव हैड ऑल बट ईटर द कॉस लाइन यानी कॉस्ट लाइन जो समुद्र का आस पास का पूरा एरिया था उसे कवर कर लिया था एंड वो फ्लोइंग ओन टू वर्ड्स द विलेज और आस पास के एरिए को कवर करके गाँव की तरफ पानी बह रहा था इट वॉज़ ट्राइंग टू गो अप दिल टू अब ये जो पानी कुछ ही देर में पहाड़ की तरफ भी आ जाता है इट वॉज़ ट्राइंग टू गो अप्राइंग टू गो अप दिल टू यानी कुछ ही देर में पानी ऐसा लग रहा था पहाड़ पर भी चढ़ जाता वट वॉज़ हैपनिंग टू द अर्थ अरे ये ज़मीन को क्या हो गया ऐसा क्यों हो रहा है देन टू माई रिलीफ आई सॉ डेट द वेव was dipping. for several seconds i sobbed in selfish relief before i realized that my family were probably not so lucky. this brought on a second sound of sobs. sobs! there was a second wave behind the first, six feet higher, high enough to snatch me off my little hill. i, I tried to grab the tree trunk again. coarse, thorns warmed into my forearms. उसके बाद uh, कहते हैं कि देन टू माय रिलीफ कि मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है थोड़ी थोड़ा सा मैं कंफर्ट uh, जोन में होता हूँ कि आई सॉ दैट द वेव वाज डिपिंग डिपिंग मींस डिक्लाइनिंग फॉलिंग मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे सुकून मिल मिलता है मैं घबराता नहीं हूँ क्योंकि वो जो लहर थी वो थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया था फॉर सेवरल सेकेंड्स आई सॉप्ड इन अ सेल्फ रिलीफ तो कुछ सेकेंड्स के लिए सॉप मीन्स होता है सिसकी लेकर रोना सिजकी लेकर मैं रोने लग गया चिल्ला नहीं रहा था आई रियलाइज़ डैट माई फैमिली व प्रबेबली नॉट सो लकी फिर उसके बाद मुझे क्या रियलाइज होता है क्या महसूस होता है कि जो मेरी फैमिली है वो उतनी लकी नहीं पता नहीं वो लोग भी मर गए दिस ब्रॉट ऑन अ सेकेंड राउंड ऑफ सॉप उसके बाद फिर मैं ज़ोर से सिस्की लेकर रोने लगता हूँ देयर वॉज अर सेकेंड वेव बिहड द फर्स्ट एक तो पहली वेब थी उसके पीछे दूसरी वेब थी सिक्स फीट हाई अब जो ये लहर थी वो कितनी ऊँची थी सिक्स फीट हाई थी इनफ टू कैच मी ऑफ माई लिटल हिल ये जो वैब थी ये लहर थी ये काफ़ी था कि उस पहाड़ पर यह चढ़ जाता और उस पहाड़ को मुझसे छीन लेता यानी यानी मैं भी उसमें डूब जाता आई ट्राई टू क्रैप द ट्री ट्रंक अगेन ट्रंक मीन्स होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ अ ट्री जिसको तना बोलते हैं कि उस जो सिक्स फीट हाई वेव है उससे देख कर मैंने क्या किया पेड़ के तने को पकड़ लिया कॉस क्रू जब मैंने उसे पकड़ा तो जो कांटेदार पेड़ होते हैं तो उसका जो कांटा मेरे फोर आर्म्स में चुप गया कहीं से आई टर्न टू फेस माई डूम आई सॉ पीपल इन दॉटर एंड हाउसेस एंड आ शार्क द शार्क माउथ ओपन वाइड सो मी इट्स लास्ट मील डूम मीन्स होता है डेथ डिस्ट्रक्शन और एनी बैड सिचुएशन डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड है ना तो वो जो डेथ जैसी सिचुएशन थी मैंने उसको वो साम उसका सामना करने के लिए मैं टन हो गया कि हाँ अब जो मरना है या जीना है वो देखी जाएगी आई सॉ पीपल उसी बीच में क्या देखता हूँ आई सो पीपल इन द वॉटर एंड हाउसेस कि मैं पानी में क्या देखता हूँ लोगों को देखता हूँ और घरों को देख देखता हूँ और फिर एक क्या क्या है वहाँ पे एक शार्क है शार्क किसको बोलते हैं एक फ़िश होती है बहुत ही बड़ी मछली होती है मैंने एक बड़ी मछली देखी द शार्क माउथ और उस मछली की जो मुँह है वो ओपन है और ऐसा लग रहा था वो मुझे खा जाएगा लास्ट मील मीन्स मैं उसका लास्ट खाना हूँ यानी वो मुझे वो मछली मुझे, मुझे खा जाएगी

वो खाने की कोशिश कर कर रही है मुझे तो क्या होता है जो ऊपर जो शॉम्पेन बोआ पेड़ पे पर चढ़ जाता है तो वो मुझे ऊपर से क्या कर लेता है ड्रैग कर लेता है यानी मेरा कंधा पकड़ कर वो मुझे ऊपर चढ़ा लेता है नीम ट्री पे हॉलिंग इन टू हॉलिंग इन टू द नीम ट्री वो मुझे नीम ट्री पर चढ़ने के लिए पुकार बुला रहा होता है और मुझे ऊपर चढ़ा लेता है पेड़ पे देन आई वॉस इन द ब्रांच उसके बाद फिर मैं क्या होता क्या करता हूँ उस नीम ट्री के ब्रांच पे चढ़ जाता हूँ द वे वुड श्योरली अप्रूड द ट्री ये ऐसा लग रहा था कि जो लहर है वो पेड़ को भी उखाड़ देगी वी बोट वी वुड बोट बी डेड इन अ फ्यू सेकेंड्स और कुछ ही सेकेंड्सों सेकेंड्स में हम दोनों मर जाएंगे द शोम्पन बॉय स्क्वाइट इट डिसाइड मी अपियरेंटली काम ही न्यू डेट दे वॉज नथिंग मोर टू डू वट एवर है वॉज बियॉन्ड आर कंट्रोल उसके बाद शोम्पियन बॉय स्क्ट बिसाइड मी स्क्ट मीन सेट तो वो उसके बाद वो जो शोम्पियन बॉय हो, होता है वो मेरे साइड में बैठ जाता है अपेरेंटली काम यानी बिल्कुल खामोशी से बैठ जाता है ही न्यू डेट दियर वोज नथिंग मोर टू डू अब उसने उसको समझ में आ गया था कि अब कुछ करने के लिए है नहीं और जो कुछ भी हो रहा था हैपेंड हैपेन्ड बियॉन्ड आर कंट्रोल जो कुछ भी हो रहा था वो हमारे कंट्रोल से बाहर था यानी हम कुछ नहीं कर सकते थे वट हैपेन्ड दैट वी सर्वाइव्ड द वे फ्लॉट इन लैंड फो फॉर वट सीम्ड लाइक एन एटर्निटी बट इट ने मैनेज टू अप्रूड आर एंशियंट्री उसके बाद फिर क्या होता है कि हम बच जाते हैं वॉज़ दैट वी सर्वाइव्ड हम बच जाते हैं द वे फ्लॉट इन लैंड व्हाट वट सीम लाइक एन इटर्निटी वो जो लहर थी वो समुद्र से होके इन लैंड यानी गांव की तरफ बह रहे थे पानी गांव की तरफ जा रहा था लाइक एन इटर्निटी और ऐसा लग रहा था ये हमेशा कभी ख़त्म ना होगा ऐसा ही पानी बहता रहेगा इटर्निटी फॉर अ लॉन्ग टाइम है ना टू एग्जिस्ट सम फॉर अ लॉन्ग टाइम है ना काफ़ी नेवर एंडिंग ऐसा लग रहा था ये लहर जो है समुद्र से गांव की तरफ जा रहा था ये नेवर एंडिंग है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है बट इट नेवर मैनेज टू अपरूट आर एनशेंट्री यानी वो जो पुराना पुराना सा पेड़ था वो लोगों को और घरों को तो बाहर रहा था लेकिन उस पेड़ पेड़ को जिस पे हम लोग चढ़ कर बैठे थे उसको उखाड़ नहीं पाई Things flowed beneath us that nobody should ever see. Shacks, bicycles, livestock and of course people. थिंग्स फ्लोट बिनिथ तो हम तो पेड़ के ब्रांच पे चढ़ के बैठ गए थे उसके नीचे से जो चीज़ें बह रही थी वो क्या थी शैक्स थी शैक्स किसको बोलते हैं झोपड़ियों को बोलते हैं जो घास फूस के बने होते हैं तो झोपड़ियाँ बह रही थी साइकिल बाइस्कल्स बह रहे थे लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स डेट आर कैप्ट ऑन अ फॉर्म सचेज काउस शीप एंड चिकन एसेट्रा है ना जिसको फॉर्म हाउस में रखते हैं बर्ड्स uh, हैं या फिर गोट है काउ है तो वहाँ पे ये सारे जा ये बह रहे थे क्या क्या बह रहे थे शैक्स बह रहे थे झोपड़ियाँ बह रही थी साइकिल बह रहे थे लाइव स्टॉक बह रहे थे और लोग भी बह रहे थे अ शाह पेन इन माई आर्म कट थ्रू द डल पेन ऑफ डिस्पेयर आई लुक डाउन द शोम्पन बॉय वॉज टूस्टिंग अ कोसक्रूथोन फ्रॉम माई फो आर्म आ जगड अवे Then pulled at the thorn myself, but the boy gripped my hand firmly. तो उसी बीच क्या होता है कि अशा पेन इन माई इन माई आम वो जो आम में काटा घुस जाने की वजह से क्या हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डिस्पेयर था डिस्पेयर मतलब कांटा घुस जाने की वजह से ये मुझ में यानी क्या था सैड होने की जो रीज़न थी कि वो दुख रहा था इसलिए इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड था डिस्पेयर मीन्स सैडनेस आई लुक डाउन मैं नीचे की तरफ देखा द शोम्पन बॉय वॉज ट्विस्टिंग अस क्रूथॉन फ्रॉम माई फोर आम तो जब देखा तो वो जो शोम्पन बॉय है वो ट्विस्ट कर ट्विस्ट करना मीन्स मरोड़ना किसी चीज़ को साइड बाय साइड मूव करना तो वो क्या कर रहा था कॉस कॉस क्रूथॉन था, था उस कांटे को मूव कर रहा था मेरे आर्म में से निकालने की कोशिश कर रहा था आई जक्ट अवे देन पुल्ड ऐट दॉर्न माइ सेल्फ़ तो मैं क्या क्या झटके से वहाँ से अपने आप को हटाया देन पुल्ड at the thorn माई सेल्फ फिर उसके बाद जब मैं उस शॉम्पिन बॉय से थोड़ा दूर हो गया तो मैंने कांटे को ख़ुद से निकाला बट द बॉय ग्रिप्ड मी ग्रिप्ड माई हैंड फमली फमली मीन्स जोर से तो उस लड़के ने मैं तो वहाँ से झटके से भाग गया भागने की कोशिश कर रहा था और थोड़ा सा दूर भी हो गया था उसे लेकिन वो जो लड़का था वो मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ा हुआ था नॉट पुल ही सेट टन पुल मैक्स बिग होल वो कह रहे हैं कि अगर इसे खींचो मत यहाँ से मत भागो है ना अगर तुम खींचोगे तो वो जो होल है जहाँ पे वो कांटा फंसा हुआ है तुम्हारे फोर आर्म में तो वो उस होल को और ज़्यादा बड़ा कर देगा ही ग्रिप द थोन अगेन ट्विस्टिंग इट जेंटली सो डैट इट फॉलोड इट्स ओन पाथ आउट द टिप वॉज कवर्ड विद हाफ एन इंच ऑफ माई ब्लड आई ऑलमोस्ट फेल सॉरी फॉर माई सेल्फ But then I remembered that I was alive to feel pain. What of my family, mama and papa? My God, what of them? I was stuck here for the time being at the mercy of a pickpocket and savage. तो उसके बाद क्या होता है? He grips the thorn again. फिर से वो उस कांटे को पकड़ता है, twisting it gently. उसको आराम से twist करता है, यानी उसे निकालने की कोशिश करता है। सो दैट इट फॉ इन पार्थ तो इस जब वो इसे जेंटली यानी आराम से निकाल रहा था तो वो जिस रास्ते से वो कांटा मेरे फोर आम में घुसा था उसी रास्ते से वो निकल आया दैट टिप वॉज़ कवर्ड विद हाफ एन इंच ऑफ माई ब्लड यानि उसमें जो थोड़ा सा होल हो गया था वो हाफ इंच जैसा वो मेरे ब्लड से फिर कवर हो गया था राइट आई ऑलमोस्ट फैल सॉरी फॉर माई सेल्फ तो मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा फील सॉरी बहुत ज़्यादा दुखी महसूस किया मैंने कि देन आई रिम्बर डेट आई वॉज अ लाइव टू फील पेन फिर उसके बाद मुझे ये, मैंने ये रियलाइज़ किया मुझे याद आया कि मैं ज़िंदा हूँ जिंदा हूँ क्योंकि मुझे पेन फील हो रहा है व्हाट ऑफ माई फैमिली तो उसको रियलाइज हो गया कि वो वो जिंदा है लेकिन उसकी फैमिली का क्या कि मेरे फैमिली का क्या क्या मेरे मम्मा पापा ये जिंदा है या नहीं माई गॉड वट ऑफ देम उनका क्या हुआ होगा आई वॉज स्टक हियर फॉर द टाइम बींग एट द मर्सी ऑफ अ पिक पॉकेट चोपियन सैवेज Uh, जो फॉर द टाइम बिंग फ्रेज है जिसका मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट पामनेंटली है ना कि मैं थोड़ी देर के लिए मैं ये जो शोम्पेन बुआ है इसकी मेहरबानी से मैं यहाँ पे फंस गया हूँ और मैं ज़िंदा हूँ शोम्पेन सेवेज सेवेज बोलते हैं अनसिविलाइज है, है ना जो जंगली होते हैं ना वाइल्ड वो कह रहे हैं इस जंगली शोम्पेन की वजह से मैं यहाँ पे फंस गया इसकी मेहरबानी की वजह से मैं फंस यहाँ तो फंस तो गया था लेकिन इसकी मेहरबानी की वजह से मैं अभी Sit down right so in this way we have covered half of the story the remaining part of the story will do in the next class till then goodbye students um, uh, please uh, learn all the new word meanings whatever i have um, explained in the earlier class uh, first write down all the new word meanings in your fair notebook and learn as well and read the story थ्राइस एटलीस्ट है ना कम से कम तीन बार आपको इस स्टोरी को रीड करना है है ना तो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर है ना तो बेटा आप जितने वर्ड मीनिंग्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं और शेयर किया है वो सारे वर्ड मीनिंग्स को आप अच्छे से याद करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा है ना उसके बावजूद भी कोई आ, कुछ समझ में नहीं आता है तो यू आर फ्री यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर टिल देन गुड बाय टेक केयर